अभी रात के 8 बज रहे हैं गाइस, और मैं अभी इधर मार्केट तरफ आया हूँ। ये मैं आ गया हूँ टेलको कॉलोनी, और यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं आज वो देखने आया हूँ क्योंकि फुटबॉल मेरा फेवरेट है। तो मेरे को सब भाई लोग छोड़ के आ गए हैं, तो मेरे को अभी आना पड़ रहा है। अभी साइकिल से मैं आ रहा हूँ, हम लोगों का घर से यहाँ 4 किलोमीटर दूर है। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि झारखंड जमशेदपुर में किस तरह से फुटबॉल का क्रेज़ है। गाइस तो मैं पहुंचने वाला हूं जहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। तो आप लोग यहां का सीन देख सकते हैं कि यहां पे पेड़ पौधे भी बहुत हैं और अच्छा अच्छा घर भी, मतलब ये कॉलोनी है टेलको कॉलोनी, और ये यहां पे एक मैदान है जहां पे फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। और यहीं से इतना भीड़ है, वो भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए। तो हम लोग भी जाके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडिया का ही नहीं, मतलब बाहर का भी खिलाड़ी सब आता है। आजकल तो हर जगह पे ऐसा होता है कि बाहर का भी खिलाड़ी आ जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री। अभी हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट देखेंगे, तो ये हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो मैं सोच रहा था मैं आ पाऊँगा कि नहीं, यहाँ पे डे और नाइट दोनों टाइम फुटबॉल खेल हो रहा था, मतलब टूर्नामेंट। गाइस तो हम लोग पहुँच गए हैं, आप लोग भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो बस उसके सामने आया हूँ, इसी में इतना भीड़ है, और ये मैं पहुँच गया, यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। आप लोग भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ झारखंड जमशेदपुर हाँ तो थोड़ी गुना तो पार गई। हम लोग देख सकते हैं जमशेदपुर में किस तरह का क्रेज है फुटबॉल का, और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं फुटबॉल देखने, और यहाँ पे आ रहे हैं एक पॉलिटिशियन है यहाँ का, बहुत बड़ा मतलब मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के, तो अभी मैं यहाँ पे 10 बजे तक रुक जाऊँगा। अच्छा रहता होता है, और वापस जाते समय एक बार शायद कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग तो अभी सुना है यहाँ पे मजा आ गया, और वैसे भी मेरा फुट अभी रात के 9 बज रहे हैं, क्योंकि मेरा फुटबॉल फेवरेट, मैं फुटबॉल गेम है मेरा। सो गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं, और अभी मैं घर वापस जा रहा हूँ। और देख सकते हैं ये टाउन साइड के एरिया है, तो टाउन में इस प्रकार से दिख रहा है, और अभी गांव जाऊंगा तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा, सब कोई सोया होगा अभी। ओह वाह ठंडा लग रहा है यार, मेरा थोड़ा तो दिख ही जाएगा, नहीं तो रास्ता भी एकदम मस्त है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है जाने में, बस मेरा साइकिल ना खराब हो जाए। वो क्या मस्त जा रहा है भाई, पूरा सुनसान हो चुका है। वैसे भी ये टाउन एरिया में अभी शायद अंदर में कोई सोया नहीं होगा, और गांव में ऐसा है कि अभी तक तो एक बार सो के उठ भी गया होगा। गांव एरिया में पूरा अंधेरा रहेगा, तो वहां में कैमरा ऑन भी करूंगा तो कुछ दिखने वाला नहीं है। तो बस इतना खास तो ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि इतना क्राउड था ना वहाँ पे, मतलब इतना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जो बोल रहा हूँ वो सुनाई ही नहीं दे रहा था। कोशिश करता रहूँगा अच्छा ब्लॉग बनाने की। दो दिन पहले बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था, आज शायद आसमान में बादल छाया हुआ है तो उतना ठंडा नहीं लग रहा है।
मेरे को यहाँ से घर पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन जैसे ये टाउन एरिया ख़त्म हो जाएगा अंधेरा शुरू। वो गाइस तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही टाउन एरिया से हम जैसे ही विलेज एरिया में इंटर करते हैं तो इस टाइप से दिखता है, देख लो। अब मेरे को कम से कम 2 किलोमीटर इतना ही अंधेरे में जाना पड़ेगा। हाँ थोड़ा आदत तो हो गया, उतना डर नहीं लगेगा मेरे को। तो चलो आज के लिए इतना ही, मेरा बैटरी ख़त्म हो चुका है, शट डाउन होने वाला है फ़ोन भी, पता नहीं। तो आज का ब्लॉग इतना मस्त तो नहीं था, लेकिन फिर भी बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना भाई अगर अच्छा लगे तो, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा। बाय।